नमस्कार और जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम शाहजी राजे जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, उनके मौत के बारे में बात करेंगे। आखिर उनकी मौत कैसे हुई, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, शाहजी राजे भी शिवाजी महाराज की तरह शूरवीर थे और बहादुर योद्धा भी थे। गनमी कावा, युद्ध कौशल्य, घोड़ दौड़ जैसे कई और ज़्यादा दुश्मनों तो उनका सामना कैसे करना हो, ऐसे कई चीज़ें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पिताजी से ही सीखी थी। अब जानते हैं आखिर उनकी मौत कैसे हुई। दोस्तों, आदिल शाह ने बेदनूर इस जगह के लिए भद्रप्पा और शिवप्पा नाइक इन दो लोगों को चुना था वहाँ पे रखवालदार के तौर पर। कुछ समय के बाद उन्होंने आदिल शाह के खंडन यानी कि आदिल शाह को टैक्स देना बंद कर दिया था और उस जगह पे अपने मन माफिक बर्ताव करने लगे। इसीलिए उनको काबू में लाने के लिए आदिल शाह ने शाहजी को चुना था। शाहजी नाइक पर चढ़ाई करने के लिए या उनसे युद्ध करने के लिए बंकापुर से रवाना हो गए। शाहजी इतने पराक्रमी थे कि भद्रप्पा नाइक उनके सामने टिक ना सके और उनका पराभव हो गया। भद्रप्पा नाइक ने शाहजी राजे के सामने सरेंडर कर दिया। शाहजी की जीत की खबर सुनकर आदिल शाह बहुत खुश हुआ और आदिल शाह के बड़े बड़े सरदार उन्हें पत्र भेजकर शाहजी राजे की बहुत तारीफ की। बेदनूर से वापस लौटते वक्त ओडिकेरी डिस्ट्रिक्ट शिमोगा इस गांव में शाहजी राजे रुक गए और उन्हें शिकार करने की बहुत इच्छा हुई। वो घोड़े पे बैठकर एक हिरनी का पीछा करने लगे उसका शिकार करने के लिए। अभी अचानक घोड़े का पैर किसी जगह पर फंस गया और शाहजी राजे और घोड़ा दोनों एक साथ नीचे गिर गए। वहाँ पे शाहजी राजे की घायल होने के बाद मौत हो गई। दोस्तों, ये जो मैंने शाहजी की मौत की कहानी बताई है, मराठी रियासत चक्करदा शिवाजी इस किताब में उसका उल्लेख हमें मिलता है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। शिवाजी जी गोष्ठी इस किताब में बताया है कि शाहजी जब घोड़े से गिरे और घोड़ा कंट्रोल से बाहर हो गया, उस वजह से शाहजी नीचे गिरे और घोड़े ने धड़ाधड़ शाहजी की छाती पर पैर रख दिए और उनकी मौत हो गई, ऐसे इस किताब में लिखा है। अलग अलग किताबों में यही उल्लेख मिलता है कि घोड़े की गिरने की वजह से, घोड़े की छाती पर पैर रखने की वजह से शाहजी की मौत हुई। ये जब घटना हो रही थी तब छत्रपति शिवाजी महाराज सूरत की मुहिम पर थे। सूरत की मुहिम से वापस लौटते ही शिवाजी महाराज को उनके पिताजी की मौत की खबर पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। खबर सुनते ही शाहजी की मौत जिस गांव में हुई वो तुंगभद्रा के पास है। वहाँ शिवाजी महाराज ने उनकी याद के तौर पर एक छतरी का निर्माण किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। आई हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि ऐसे ही इतिहास के अनसुने और दबे हुए किस्से को मैं आप तक लेकर आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय शिवराय, जय शंभुराज और हर महादेव।